मेरा सवाल थर्ड आई को लेके था, त्रिनेत्र को लेके। तो जैसे विज्ञान भैरव तंत्र में भी उसका एक विधि, मतलब तीन विधि दी हुई है। जो विधि मेरे को मैंने चुनी वो थी कि पांचों ज्ञान, मतलब जो सेंसेस, उनको बंद करके यहाँ पे फोकस करना। तो जब उसको फोकस करते हैं तो एक पार्ट के बाद ना भय लगता है कि ऐसा लगता है कि इसे फट जाएगा सर, या फिर कुछ हो जाएगा। कुछ लोगों से पूछा तो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, पागल हो सकते हैं, या फिर कोई ऊर्जा वहां पे, अगर ऐसा लगता है कि टनल के अंदर कुछ जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, नहीं करना चाहिए। तो उस पे अगर आप थर्ड आई के रहस्यों के बारे में, उसकी विधि के बारे में थोड़ा बता सकें। देखो, वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियोस में इसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करी है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सिर्फ थर्ड आई पे फोकस होकर अगर बात करते हैं, ठीक है, तो तुमने ये बोला कि वहां पे पागल हो जाएगा या वहां पे कुछ दबाव सा हो रहा है, वहां पे फट जाएगा। अभी एक ने किसी ने कमेंट करा हुआ था कि आपने जो विधि डाली है त्राटक वाली, उसको करते करते मेरे को बहुत तेज दबाव हुआ और मैं डर गया और मैंने छोड़ दिया, और जैसे ही छोड़ा वैसे दबाव बंद हो गया और मैं ठीक हो गया। तो इसका मतलब उस विधि में बहुत असर है। और दूसरा ये कि वो जो मंत्र मैंने उसमें बोला है, ठीक है, उसमें मेरी अपनी ऊर्जा आ रही है, उससे काम हो रहा है, इसका असर है कि बंद करते ही ठीक हो गया और वैसे बहुत तेज ऐसा फट रहा है। तो उसको अगर कोई करता है या कोई भी विधि करता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दो जगह असर एक साथ होना शुरू होता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि ऊपर नीचे दोनों एक साथ दबाव बन रहा है या फूट रहा है या भाग रहा है, कुछ ऐसा एक साथ लगता है, किसी किसी को एक ही जगह लगता है। तो जब उस बिंदु पे दोनों भावों के मध्य के पीछे, वो एक्चुअली स्थान यहां पर भी नहीं, वो पीछे की तरफ है ना, वो बताया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि बहुत पीछे की बात है। अब आपको हो रहा है आगे, मैं कहूं हो रहा है पीछे, तो बात जमेगी नहीं फिर। तो जो दबाव बन रहा है, उस दबाव को मैंने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ देखो। कारण क्या है कि वो दबाव बन ही इसलिए रहा है क्योंकि आप वहां आड़े खड़े हैं, आप वहां बीच में आके खड़े हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप बीच में आके खड़े हैं, वो भी नहीं समझ में आएगी बात, मैं कैसे आके खड़ा हूं, मैं तो ये बैठा हूं, मैं वहां थोड़ा आके बैठा हूं। लेकिन आप वहां बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अलग अलग केंद्रों पे, अलग अलग आपके जन्मों में संचित किए हुए कर्म संस्कार, अलग अलग विभाग के, जो हृदय संबंधित है वहां के, है ना, जो काम संबंधित है वहां पे, जो आपके आज्ञा से संबंधित है वो वहां पे, थर्ड आई पे, त्रिनेत्र पे, वहां पे जमे हुए हैं ऊपर। तो क्या है, जब अंदर ऊर्जा फूटती है तो दो तरीके से काम होता है। एक, या तो आप बाहर से चोट मार रहे हो मंत्रों से, ठीक है, तो अंदर हलचल हो रही हो, तो अंदर बम बन रहा हो, या दूसरा सहज भाव से आप ध्यान की किसी विधि के माध्यम से बैठ रहे हैं तो वहां से अंदर से बाहर मारता है। तो जब वो बाहर दबाव बन रहा होता है, आपको सरदर्द हो रहा होता है या आंखों में दर्द हो रहा होता है, जलन हो रही होती है, आंखों से पानी आ रहा होता है, कोई बदबू या कोई स्मेल आ रही होती है, किसी किसी को अलग अलग आकृतियां, अलग अलग कलर दिखना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो दबाव बहुत ज्यादा बन रहा होता है, कुछ सुगंध आनी शुरू हो गई, लेकिन उस दबाव को वो सरेंडर नहीं हो पाते हैं। मैंने उसमें बोला कि उसको सरेंडर कर दो, बीच में मत आओ। बीच में कैसे आ रहे हो, अंदर काम हो रहा है कि बन रहा है, दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है ना, तीखापन हो रहा है, कुछ तीक्ष्ण सा हो रहा है, कुछ बुदबुदाहट सी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कुछ फड़फड़ा सा रहा है अंदर, कभी कभार बहुत तेज फड़फड़ाता है, कभी कुछ वो जो फड़फड़ाना बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर बहुत तेज हो जाता है, अचानक से ऐसा लगता है गोल गोल कुछ घूम रहा है, अचानक से कुछ कलर सा होता है। ये हम बैठ के उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बीच में आड़े आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी किताबें पढ़ लिया ना, बहुत सारी यूट्यूब में वीडियो में इधर उधर देख लिया, इसीलिए मैं देखने से मना करता हूँ कि मत देखो बहुत ज्यादा, तो वो क्या होता है आपके मन में चला जाता है और ये केंद्र आपके उससे रिलेटेड है ही, ठीक है। तो जब आप उसको जागृत करने के लिए बैठते हो, जब आपका वहां पर दबाव होना शुरू होता है,
जब उस बिंदु पे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा या फट जाएगा, तो वो नहीं फटता है, वो तुम्हारे संस्कार हैं जिसको तुमने अपना माना हुआ है, वहां पे लेयर हैं, वो गलने के लिए तैयार हैं, वो टूटने के लिए तैयार हैं, चकनाचूर हो जाएंगी। तो आप दोनों चीज को एक साथ लेके नहीं चल पाएंगे। क्या कि तुम पुराने वाले भी बने रहो और तुम नए वाले भी हो जाओ, ऐसा नहीं होगा ना। ठीक, तो तुम्हें पुराना वाला हटाने के लिए तुम्हें वो चीज छोड़नी पड़ेगी, वो स्पेस छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। तो उस वीडियो में ऑडियो मैंने बोला हुआ है कि सरेंडर कर दो उस क्षेत्र को, अपने पूरे अस्तित्व की ऊर्जा को, एक एक सेल को, एक एक विचार को वहां उस केंद्र पे लाकर छोड़ दो। और जब तुमने पूरा वहां सरेंडर कर दिया उस बिंदु पे, फिर कुछ भी हो जाए ना तुम्हारे साथ, तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम जो भी तुम्हारे साथ हो जाएगा, मैं मर जाऊं चाहे जो हो जाए मेरे साथ, मैं उफ नहीं करूंगा, आज फटने दो साले को, ऐसा संकल्प लेके अगर कोई बैठे तो जागृत 10 मिनट में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतनी ऊर्जा, इतना संकल्प, इतना इकट्ठा करके कैसे कोई एक साथ तोड़ दे? क्योंकि हम तो पार्ट पार्ट में जीते हैं ना, तो हम पार्ट में न जी के अगर हम एक साथ उस पर पूरी ऊर्जा डाल दें कि इस पे जो होना है आज हो जाए, मैं समर्पित होता हूं। अगर ऐसा कर ले कोई तो वो फटेगा भी, वो टूटेगा भी, उसके पीछे से और रहस्य खुलेगा भी, नई दुनिया के द्वार भी खुलेंगे, और वो नेचुरल होगा, कोई किसी के द्वारा भेदन किया हुआ नहीं होगा। ये जो होगा ये आपका नेचुरल होगा, क्योंकि इसमें आपने अपनी मेहनत लगाई है। जैसे बहुत सारे लोग आज्ञा चक्र जागृत कर देते हैं ना, कोई डंडी से, कोई पैर से, कोई उंगली से, कोई कैसे भी, वो बाहर से आता है, जो बाहर से आएगा वो आपका अपना नहीं रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। आपका अपना वही है जिसमें आपने अपनी हिम्मत दिखाई है। तो जब आप अपनी हिम्मत से सरेंडर होते हैं उस केंद्र पे, उस बिंदु पे, तो आप स्वयं जीते हैं उस एक एक पल को। तो डर तो होगा, ऐसा भी लगेगा मैं मर रहा हूं, लेकिन अगर आपको ये मेरी बात समझ में आ गई, यार हो रहा तो होने दो ना यार, जब भागना ही है पीछे तो फिर कर क्यों रहे हैं, मत ही करो ना फिर, और जब करने का तो फिर पूरा सरेंडर करने का। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा हो कि आज मुझे बैठना है, मुझे करना है, तो पहली बात तो कोई विचार ना आने दो बीच में, और मेरे कहने से तो विचार आएगा नहीं, आपको स्वयं से फाइट करना होगा कि जो भी विचार आ रहा है, भैया समर्पित हूं मैं इस केंद्र को, और मेरा आज ही अंतिम दिन है, चाहे ये मुझे उड़ा ले जाए, चाहे समाप्त कर दे, मार दे, पूरी हिम्मत मैं छोड़ रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं इस चीज को। तो वहां पे दर्द भी होगा, चोट भी लगेगी, चाहे फट के बाहर तुम्हारी खोपड़ी टूट जाए। बहुत सारे लोगों ने किताब में लिखूंगा ना कि वहां से फट के ऊर्जा निकल गई, बाहर आदमी मर गया। अरे वो आदमी नहीं मरता है, जो आदमी जिसको तुम देख रहे हो, जो बैठ रहा है, वो आदमी नहीं मरता है। वो आदमी मर जाता है जिसने अपने आप को कल्पना में माना हुआ है कि मैं हूं। ये बॉडी सॉडी सब ऐसी रहेगी, ये थोड़ा मरेगी, वो मर जाएगा। उन अच्छी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आदि मर गया, कपाल फूट के निकल गई ऊर्जा। अरे तो निकल ही जाएगी ना ऊर्जा। तो इस चीज को हमेशा अपने शरीर, अपने विचारों से संबंध करके भी ना देखें, इसको ऐसे देखें कि वो जो व्यर्थ की चीज है वो चली जाएगी, और जो सार्थक है वो सामने आ जाएगा, जो मिथ है, जो भ्रम है वो चला जाएगा, और जो रहस्य है, जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लेना चाहिए। तुम्हारा यही प्रश्न था, कुछ और था? गुरु जी इससे आगे एक प्रश्न था, साधु मतलब आगे गुरुओं ने कहा है कि जब ये जागृत होती है तब जो दूसरी योनियां है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है, वो आकर्षित भी होती है, और जो नीच योनियां आपको परेशान करनी शुरू कर देती है, आपकी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। तो फिर एक भाव आता है कि इसमें हम साधना करें, मगर ऐसा ना हो कि जो आसपास की योनियां हम पे हमला कर दें और हम पे उतनी ऊर्जा नहीं कि हमसे लड़ सके, और हमारा हम करने गए थे अपना अच्छा और हमारा कुछ और बुरा कर बैठे अपने साथ, उससे अपना बचाव कैसे करें? तो यही होता है, जब कोई सिद्ध बताता है और जब कोई बुद्धू सुनता है, ये होता है। ठीक है, अब वो बता रहा कुछ और चीज, वो सुन रहा कुछ और चीज, और क्योंकि सिद्ध भी बहुत नीचे लेवल पे आके नहीं बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो बदल चुके होते हैं ना एक्चुअली में, वो उस तरीके से बता ही नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए क्या करने का है,
कि हम चले हैं आगे चक्र जागृत करने, और क्या हुआ कि ऊपर वाली यूनियां भी दिख रही, नीचे वाली भी दिख रही, नीचे वाली नीचे गिरा रही हैं, है ना, उससे कैसे बचें, ये तुम्हारा प्रश्न है। करने चले थे अच्छा, साधना करने, यहां वैसी परेशान है, तो परेशान तो तुम वैसे ही हो, किसकी वजह से हो ये तुम्हें पता चल जाएगा, समझ रहे बात। अब यहां से तुम गए, तुम्हें लग गई चोट, तुम्हारे भैया खून, लापरवाही ही मानी जाएगी ना, लेकिन तब क्या होगा, तब तुम पता चलेगा कि कब मैंने कौन सा पाप किया था जिसका मेरे को इस क्षण इसको भोगना पड़ गया, या मैंने पीछे किस चीज को परेशान करा जिसका मुझे इमीडिएट इफेक्ट यहां मिल गया, ये चीज तुम्हें दिख जाएगी। ऐसा नहीं होगा, अगर वो सिद्ध नहीं होंगे, उन्होंने गलत तरीके से बताया होगा, तो उनकी जो समझ है वो अपने साथ, लेकिन इस प्रश्न के साथ अगर मैं देख के चलता हूं तो इसमें एक चीज की कमी लगती है कि हम ऐसा ना सोचें कि हम करने गए थे अच्छा और बुरा होगा, क्योंकि होगा अच्छा ही, क्योंकि इस जगत में सब कुछ अच्छा ही है। क्यों? क्योंकि इस जगत में जब संत हो जाता है, जब बुद्ध हो जाता है, तो देखता है सब जगह ईश्वर ईश्वर है, तो जब सब जगह ईश्वर ईश्वर है तो खराब कैसे हो सकता है, ठीक। तो इस आपके साथ अच्छा ही होता है और अच्छा ही होगा। हम अपने आप को बीच में लाके ये डिसाइड करते हैं कि अब मेरे लोभ और लालच और स्वप्न के बीच में क्या अच्छा और बुरा हुआ, मतलब क्या मिला और क्या गया, उसके अनुरूप हम कंपेरेटिव एनालिसिस करके ये बता लेते हैं कि ये अच्छा हुआ ये गलत हुआ। तो जो गलत हुआ वो जो है नीची योनियों ने कर दिया, जो अच्छा हुआ वो अच्छी योनियों ने कर दिया, देवी देवताओं ने कर दिया। लेकिन जब गलत होता है ना, उसके बाद भी कई चीजें वो अच्छी भी हो जाती हैं। वो गलत जो हुआ है वो अच्छा होने के लिए हुआ होता है कई बार। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो अच्छा जो गलत हुआ ये गलत उन्होंने कर दिया, होता ना कई बार, वही आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे दो चार कदम जाने पड़ते हैं और जंप मारना पड़ता है लंबा। खड़े खड़े जंप मारोगे उतना नहीं मार पाओगे, दौड़ते पाओगे तो ज्यादा मारोगे। तो ये सिर्फ समझ की कमी इसको कह सकते हैं कि अभी वो चीजें जागृत नहीं हुई हैं, तो उससे संबंधित अजीब अजीब से प्रश्न भी आते हैं, क्योंकि पढ़ा भी हुआ फालतू का। तो उसमें आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर ये समझ डेवलप हो जाएगी, देखने की क्षमता आ जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या, क्योंकि उससे सिर्फ आपको रहस्यमय जगत देखने के लिए ही कैपेबिलिटी नहीं आ जाएगी, उसमें आपका विवेक बुद्धि प्रज्ञा है ना, बहुत सारी चीजें और अंदर की मानसिक रूप से डेवलप हो जाती हैं, तो उससे आप समझदार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इसमें एक चीज होती है, अगर गुरु का सानिध्य नहीं है अच्छे गुरु का, तो आपको बैठा देगा पोटली लेके, बेटा देखो कौन सी शक्ति आई, अब बेचारा वो लगा कौन सी शक्ति आई कौन सी शक्ति गई, उससे क्या पूछे इससे क्या पूछे, तो हो गई उसकी साधना। उस महान गुरु ने उस अपने महान शिष्य को वहीं बैठा के रख दिया और उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। पर शक्तियां शक्तियां आई शक्तियां गई, ये देवी आए वो भूत आए ये प्रेत आए, बस उन्हीं में लगा रहेगा। अब उसके आगे क्या भैया, कुछ नहीं, वो भी संतुष्ट, क्योंकि इतना ज्यादा उसने पढ़ लिया, आगे चक्र की मार्केटिंग इतनी सारी और की है, उसने पढ़ भी लिया है, अब वो संतुष्ट हो गया, बात खत्म हो गई। तो अब उसी से ही संबंधित परेशान रहेगा, सर दर्द होता है, गुरु जी ये शक्ति आ गई आज उसने ऐसा कर दिया, मैंने उसको लात मार के भगा दिया, पर यही चक्रों में पड़ा रहेगा। इसमें क्या होगा, उसको धीरे धीरे स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, परेशान होगा, दारू गांजा बीड़ी ये सब में पड़ा रहेगा। तो ऐसे लोग ऐसे ही पाए जाते हैं, मैंने देखा होगा ना, लोग आगे चक्र जागृत हो गया, अघोरी पड़ा हुआ है, उसके पास जाओ सब बताता है, दारू गांजा पी के पड़ा रहता है, वैसे ही तो विकृत हो गया वहां पे। उसको अगर आगे नहीं बढ़ने दोगे या उसको ग्रो नहीं करने दोगे, उसको सही ढंग से पालोगे नहीं, तो वो आपको विकृत कर देगी। और ये सारा सारा जिम्मेदारी एक अच्छे गुरु की होती है कि उसको विकृत ना होने दें, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे साधक ऐसे भी होते हैं कि जरा सा उनको आभास होने लग जाए तो अहंकार आ जाता है। तो अहंकारी साधक तो साधक ही नहीं होता है, है ना। जो गुरुद्रोही होता है या बकवादी होता है, जो दूसरों के सामने बताता है कि मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, तो वो तो साधक की कैटेगरी में नहीं है, वो तो अलग अपनी दुकान चलाएगा, लाल काला का पीला हरा नीला कपड़ा ओढ़ के। तो जब हमारी साधना चल रही हो
तो सबसे पहले तो जितनी भी किताबें और यूट्यूब सब ने सबको उठा के साइड रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अपने ओरिजिनल एक्सपीरियंस को आज्ञा चक्र के भटका देगा। कोई भी एक विचार आपको एक बहुत बड़ी पिक्चर बना के आपके सामने पेश कर देगा। कोई भी एक विचार, आप काम ही उस पर कर रहे हैं ना, दूसरे केंद्र पे काम कर रहे हो इतना नहीं मैं रोकता, लेकिन जब आप इस आज्ञा चक्र पे काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे गलत विचार आते हैं जो इसको रोकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप इसको समर्पित हो जाइए, आप रोकिए नहीं इसको, आप बीच में मत आइए। आप होने वाले, आप होते कौन है बीच में आने वाले, है ना? आपने जो उसको इनिशिएट करना था, चाहे गुरु के माध्यम से, चाहे मंत्र के माध्यम से, चाहे ईश्वर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, वो इनिशिएट हो गई। अब उसको सरेंडर करिए, ऑब्जर्व करिए, उसके साथ ये मत करिए कि अब ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अब ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये सब कहानी नहीं, सब छोड़ दीजिए। एकदम निष्फिक्री से उसको समर्पित हो जाइए। किसी भी केंद्र को जब भी हो आप उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि जब वहां पर डेवलपमेंट होगी तो बहुत सारे विकार भी आएंगे, विकार बोल दो विचार आएंगे इधर उधर के, तो उसमें गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसमें सिर्फ देखोगे ना तो गिरोगे नहीं। अगर भय हो रहा है तो देख लिया ना पीछे हटके, भय हो रहा है ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, हो जाए बस। भाई हम बैठे हैं करने के लिए तो हम उसको होने देते हैं। अभी आप कह रहे हो कि उठ जाओ, फिर आप कह रहे हो ऐसा ना हो, मेरे हिसाब से हो, तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। जो जैसा केंद्र है वो अपने हिसाब से ही खिलेगा। तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, दिया ना दूसरे प्रश्न का, और कुछ है? सबके रोंगटे खड़े हो गए उसको देखते ही। उसका एक प्रयोग है मंत्र के साथ, वो जब मैं साधकों को देता हूँ तो उस मंत्र के साथ प्रयोग भी बताता हूँ कि आप उस दंड को पकड़ के, जैसे भैरव दंड है, उस दंड को पकड़ के ऐसे 3 बार और उस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप अपने 3 बार उस स्थान पर ठोक दिया तो समझ लीजिए 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर तक उसके उच्चारण से और उस ठोक से पड़ने वाली चोट उस धरती के भीतर ही नहीं ऊपर के भी शक्तियों को सफाई कर देती है। To talk to Gurudev ji, open Google Play Store. Now search Call Me 4 application and download it. Now register your profile and recharge it. Now search for Sri Taramani ji and directly talk to Gurudev ji and solve your problem.